नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। एक बार कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? एवरीथिंग इज ओके? साउंड क्वालिटी ठीक है? ऐसा तो नहीं कि बहुत कम है साउंड क्वालिटी? एक बार कंफर्म कीजिए, साउंड क्वालिटी ठीक है? कि कुछ स्टूडेंट्स को ये इश्यू रहता था कि सर आपका आवाज थोड़ा कम रहता है। ठीक है, साउंड क्वालिटी भी ठीक है। जो लोग चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आज हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब एक सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको अर्थ समिट के बारे में पूरा बता दिया था, अर्थ समिट के कौन कौन से आउटकम्स हैं उनके बारे में बता दिया था। ठीक है, उसको एक बार कई बार आप रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज करते रहिए। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 जगह से ना पढ़ के केवल एक जगह से पढ़िए, दैट विल बी सफिशिएंट। आपके लिए उतना ही सफिशिएंट रहेगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशंस की, इंपॉर्टेंट है। उसमें एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, वो भी वहां से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, अगर रामसर कन्वेंशंस की बात करूं तो यूपीएससी से जो क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्चुअल आता है, यानी कि एक तरीके के लिटरेचर वाला पार्ट से क्वेश्चन बनता है रामसर कन्वेंशंस के। जबकि जो स्टेट पीसीएस है उसमें क्या होता है कि आपको एक रामसर साइट दे दी जाएगी और उससे पूछा जाएगा कि ये किस स्टेट्स में है। तो स्टेट पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आपका यूपीएससी है उसमें क्या है कि जो उसका हिस्टोरिकल डेटा है रामसर साइट्स का, ठीक है, इस कन्वेंशंस का जो हिस्टोरिकल डेटा है, अभी इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कौन सी साइट रामसर कन्वेंशन में आती है, यूपीएससी में वहां से सवाल आते हैं। तो लेकिन आपको तैयार करना दोनों, क्योंकि कब क्या क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी चीजें कराऊंगा, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। उससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सुपर कोचिंग के बारे में बता देता हूँ कि सुपर कोचिंग क्या है। देखिए, इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, जिनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में पढ़ाने का, उन सभी एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोज का कलेक्शन है। प्लस ये यहाँ पर आपके लाइव सेशंस भी होते हैं, प्लस मैनी मोर। अब मैनी मोर क्या है? मैनी मोर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप नंबर ऑफ कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जो यूपीएससी सीएससी कैटेगरी से रिलेटेड है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पॉलिटी के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ज्योग्राफी के लिए अलग से लेना पड़ेगा, हिस्ट्री के लिए अलग से लेना पड़ेगा, नहीं। जितने भी एजुकेटर यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे होंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप सभी की क्लासेस को जाके क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो डाउट्स को रिजोल्व कराया जाएगा और मॉक टेस्ट के लिए तो टेक्स्ट बुक जाना ही जाता है। अब बात है कि सुपर कोचिंग का फीस कितना है। तो दोस्तों सुपर कोचिंग का जो फीस है वो है 2500, 2500 पर मंथ। इसमें आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कूपन कोड, दैट इज R8820। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका फीस कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज पर मंथ। 2000 रुपये महीना में आप क्या कर सकते हैं, सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जो भी मेरी वीडियोस यूट्यूब पर या मास्टर क्लास के लिए आती हैं उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशंस की। तो पहले मैं आपको क्लास कंटेंट के बारे में बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ रामसर कन्वेंशन, क्या इतिहास है इसका। ये जो सम्मेलन है, कन्वेंशन को हिंदी में कहते हैं सम्मेलन, तो ये रामसर सम्मेलन है, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा अबाउट रामसर कन्वेंशन, फिर हम रामसर कन्वेंशन के बारे में जानेंगे, फिर थ्री पिलर ऑफ रामसर कन्वेंशन, वो तीन पिलर कौन कौन से हैं रामसर कन्वेंशन का जिसके ऊपर ये काम करता है उसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड वन इज द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे इंडिया की वो कौन कौन सी साइट्स हैं जो रामसर लिस्ट में शामिल हैं, इंडिया की वो कौन कौन सी साइट्स हैं
जो रामसर लिस्ट में शामिल है उसके बारे में बात करेंगे, 10 नई रामसर साइट्स के बारे में जानेंगे, उसके अलावा 5 और नई साइट्स आ गई हैं, 5 नई साइट्स और आ गई हैं। अभी टोटल रामसर साइट्स जो इंडिया के अंदर वो है 47, कितनी है दोस्तों 47। बात करेंगे हम चिल्का लेक का क्या रिलेशन है रामसर साइट से, राइट, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि चिल्का लेक का क्या रिलेशन है, और फिर हम बात करेंगे, रिमेंबर याद करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम याद करें रामसर साइट्स को जो भारत में। देखिए ये जो फैक्ट है यहाँ, ये वाला, यहाँ पे स्टेट पीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी यूपीएससी सवाल नहीं पूछे सकते, लेकिन पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है, इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हाँ, जो स्टेट पीसीज वाले अगर वो इन ध्यान भी नहीं रखते तो भी चलेगा, वो यहाँ से भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं, लेकिन यूपीएससी वालों को ये सारे के सारे पॉइंट्स तैयार करने, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रामसर कन्वेंशन। पहले बात कर लेते हैं कन्वेंशन का मतलब क्या है। कन्वेंशन का मतलब है दोस्तों सम्मेलन, सम्मेलन, हम रामसर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। भाई कन्वेंशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशन, सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, सम्मेलन का मतलब क्या है। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सम्मेलन यानी कन्वेंशन से आप क्या समझते हैं, ये अभी मैंने जब आपको अर्थ समिट पढ़ाया था तब भी एक हल्का सा आइडिया दिया था अबाउट द कन्वेंशन। सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, सिंपल सी बात है, मीटिंग, 5-7-10 लोग आके मिल के बैठ गए किसी मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर कुछ देश आकर बैठ गए और उनमें आपस में मीटिंग हुई। क्या हुई दोस्तों, आपस में मीटिंग हुई। वो मीटिंग जो थी किससे संबंधित थी, वो संबंधित थे कि किस तरीके से हमें फ्लोरा एंड फोना को बचाना है, यानी कि किस तरीके से हमें जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण करना है। इसके मुद्दे पर रामसर में, जो ईरान का एक शहर है, वहां पर एक मीटिंग हुई, एक सम्मेलन हुआ। तो फिर मीटिंग में ये बात आई कि भैया ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु रहते कहां हैं। कह रहे जी ये वहां रहते हैं जब पानी हो और जहां पानी ना भी हो, मतलब पानी भी होना चाहिए और इनके लिए रहने के लिए सूखा जंगी भी जमीन होनी चाहिए, मतलब ऐसी कि पानी हो या ना भी हो, मतलब पानी भी थोड़ा होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, ऐसी जगह पर ये फ्लोरा एंड फोना बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इनको कंजर्व करने के लिए वो जो जगह है, वो जो जगह है ना जहां पे पानी भी है और नहीं भी है, जहां पर पानी भी है और नहीं भी है, जहां पर पानी भी है और नहीं भी है, ऐसी जगह को वेटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वेटलैंड, आर्द्र भूमि। क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं, ऐसी जगह जहां पर पानी भी है और जहां पर पानी भी नहीं है, ऐसी जगह पर ये फ्लोरा एंड फौना रहते हैं। अब भाई आप एक बार बताइए, अब शेर है, शेर को रहने के लिए पानी भी चाहिए, अब हर टाइम पानी में तो रहेगा नहीं, सूखे में भी रहेगा। पेड़ों को पानी भी चाहिए जमीन से, और ऐसा थोड़ी कि हर टाइम आप उनको पानी में डुबा के रखेंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यानी कि रामसर में जो मीटिंग हुई, जो सम्मेलन हुआ, वहां पर एक बात निकल के आई कि अगर हमें फ्लोरा एंड फोना को कंजर्व करना है, यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का संरक्षण करना है, तो वो जहां पर रहते हैं, जिस लैंड पर रहते हैं, उसको कंजर्व करना जरूरी है, यानी हमें वेटलैंड को कंजर्व करना जरूरी है, ठीक। तो भैया ईरान के अंदर, ईरान के अंदर 1971 में, 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ, और वहां पर कुछ नियम बने कि हमें किसी भी तरीके से ये जो वेटलैंड्स हैं, ये जो फ्लोरा है, ये फोना है, इनको कंजर्व करना है।
ठीक है, इनको क्या करना है, कंजर्व करना है। और जो वो नियम बने इसको अडॉप्ट कब किया गया, रामसर में जो नियम बने थे, जो कन्वेंशन हुआ था उसमें कुछ नियम बने होंगे, कुछ कायदे बने होंगे, कुछ ठीक है कानून बने होंगे, तो उनको अडॉप्ट कर लिया गया 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को अडॉप्ट कर लिया गया। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है हर दो फरवरी को। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या रखना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब है, 2 फरवरी को। चलिए उसके बाद अब इस पे साइन कर दिए, सबने इसको अडॉप्ट कर लिया, रामसर कन्वेंशन के अंदर जो नियम कायदे कानून बने उसको सबने अडॉप्ट कर लिया। कब अडॉप्ट कर लिया, 2 फरवरी 1971 को। अब जब ये इनको अडॉप्ट कर लिया तो ये लागू भी होंगे, इफेक्ट में भी आएंगे ये जो कानून है। तो ये लागू कब से हुए, फोर्स में कब से आए, 1975 से। ये 1975 से, यानी रामसर कन्वेंशन जो हुई, रामसर कन्वेंशन में जो कानून बने उसको सारे देशों ने कब अडॉप्ट कर लिया, 2 फरवरी 1971 को। लेकिन ये कानून लागू कब से किए गए, 1975 से। ये है क्या दोस्तों, ये है क्या रामसर कन्वेंशन, ये है एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। क्या है दोस्तों, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, मतलब बहुत सारे देशों ने क्या करा के बीच में संधि है, ने साइन किए हैं इस पर, राइट। बहुत सारे देशों ने क्या किया है, इस जो रामसर कन्वेंशन के अंदर जो नियम बने थे उस पर अपनी चिड़िया बैठा दी, साइन बैठा कर दिया। ठीक है, द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड, इसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन को दूसरे नाम से बुलाया जाता है, द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड, यानी आर्द्र भूमि के लिए सम्मेलन। क्योंकि यहां पे आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के कंजर्वेशन की बात की गई थी। इंडिया इज ए पार्टी टू द कन्वेंशन 1982। भारत इसका कब से हिस्सा बना, 1982 में भारत इसका इस सम्मेलन का क्या बन गया, हिस्सा बन गया। पार्टीज ऑफ कन्वेंशन, पार्टी ऑफ द कन्वेंशन, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो भारत ने 1982 से भारत इसका हिस्सा बन गया। तो क्या बताया मैंने आपको अभी तक इसके हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये यहाँ से यूपीएससी सवाल पूछ लेता है कि रामसर कन्वेंशन क्या, भैया एक कन्वेंशन हुआ कहाँ पर, ईरान के रामसर शहर में, जिसमें बॉयज बहुत सारे देश आके बैठे, उन्होंने कहा कि हमें फ्लोरा एंड फोना को कंजर्व करना, यानी जीव जंतु पेड़ पौधों का संरक्षण करना है। तो कहा भाई इनके लिए ये पेड़ पौधे जीव जंतु रहते कहाँ पर हैं, क्योंकि जी ऐसी जगह रहते हैं जब पानी भी है और पानी नहीं भी है, मतलब ऐसा एरिया हो जो रहने लायक हो, मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल पानी ना हो और ये पानी पानी हो, ऐसा नहीं। ठीक है, हमें क्या करना, एक ऐसी एरिया को जहां पे पानी भी हो और जहां पे नहीं भी हो, ऐसे एरिया को हमें क्या करना है, कंजर्व करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि अगर फ्लोरा फ्लोरा को कंजर्व करना है तो ये वहीं पर रहते हैं ऐसी जगह पर जहां पानी भी है और पानी नहीं भी है, तो उस एरिया को कंजर्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हुआ दोस्तों, कुछ नियम बने, जिन नियम को सभी देशों ने कब अडॉप्ट कर लिए, 2 फरवरी 1971 को। और ये सारे के सारे कानून कब से लागू हुए, 1975 से। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। भारत ने कब साइन किया, भारत ने इस पे साइन किया 1982 के अंदर। ये आपके पॉइंट्स हैं, आप इनको शॉर्ट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जितना आप शॉर्ट्स में लिखेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, मैं कहता हूं कि मैंने ये आपको समझाने के लिए कई लाइन में लिखा है, आपको केवल एक लाइन में लिखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अबाउट रामसर कन्वेंशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबाउट द रामसर कन्वेंशन क्या है, जरा सुन इसको, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कन्वेंशन मिशन, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स, मतलब संरक्षण करना है और बुद्धि का इस्तेमाल करके जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमि है, उनका इस्तेमाल करना है थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। किसके थ्रू, देखिए रामसर कन्वेंशन एक मिशन है, ठीक है, एक उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, इसका टारगेट क्या है, तो वो टारगेट ये है कि कंजर्व करना है,
किसको? वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमि को, ठीक है। और उसका बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करना, यानी दिमाग अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यूज में ले रहे हैं, तो किस तरीके से यूज में लेंगे? दिमाग का प्रयोग करके, ठीक है। दिमाग का प्रयोग करके आप क्या करेंगे? उस वेटलैंड का इस्तेमाल करेंगे, और थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस एज ए कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स थ्रू द वर्ल्ड। क्या समझ में आया? वेटलैंड, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अभी हम पढ़ेंगे सुंदरवन मैंग्रोव, ठीक है। सुंदरवन मैंग्रोव, मैंग्रोव, ठीक है। अब वो क्या है, मान लीजिए एक वेटलैंड है, ठीक है, एक आर्द्र भूमि है, उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, तो क्या उन सारे पेड़ों को काट लेना चाहिए? नहीं। अगर उन पेड़ों को आप काट रहे हैं तो इस तरीके से काटिए कि ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ आपको दिखे ही ना। यानी कैसे इस्तेमाल करना है वेटलैंड का, कैसे इस्तेमाल करना है वेटलैंड से, अगर आपको विकास कर लेना है तो कैसा लेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यूज ऑफ वेटलैंड कैसे? सस्टेनेबली, सस्टेनेबल तरीके से आपको वेटलैंड का इस्तेमाल करना है। तो वेटलैंड क्या है? ये बेसिकली रामसर कन्वेंशन है क्या? रामसर कन्वेंशन एक मिशन है जिसमें कंजर्व किया जाता है वेटलैंड्स को, और वेटलैंड का इस्तेमाल किया जाता है सही तरीके से, दिमागी रूप से। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल जो कॉरपोरेशन है वो मदद करते हैं। किसको कंजर्व करने में? वेटलैंड को कंजर्व करने में। अब वेटलैंड होती क्या है, देखिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। वेटलैंड क्या क्या होती है, आर्द्र भूमि क्या क्या होती है, जैसे लेक, झील, रिवर, यानी झील और नदियां, ये क्या कहलाती हैं? ये सभी के सभी वेटलैंड कहलाती हैं। अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स, 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 ठीक है, स्वैम्स एंड मार्शी लैंड्स, दलदली, वेट ग्रास लैंड्स, पीटर लैंड्स, ओश, एस्चुरीज, डेल्टा, टाइडल फ्लैट्स, मैंग्रोव्स एंड अदर कोस्टल एरियाज, कोरल रीफ, कोरल रीफ इज ऑल्सो कम अंडर वेटलैंड्स, एंड ऑल ह्यूमन मेड साइट सच एज फिश पॉन्ड्स, राइस पैडीज, जो आपने देखा होगा जहां पे चावल बोया जाता है उस खेत में पानी भर देते हैं, तो दैट ऑल्सो कम अंडर वेटलैंड्स, ठीक है। रिजर्वर्स एंड साल्ट पेंस, ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों? ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं वेटलैंड्स के। तो देखिए, आपने कोरल रीफ के बारे में सुना था, मैंने आपको पढ़ाया था, कोरल रीफ का प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन करना जरूरी है कि नहीं है, बताइए? कंजर्वेशन जरूरी है। तो कोरल रीफ क्या है? एक वेटलैंड है। कोरल रीफ क्या है? एक वेटलैंड है, तो उसका कंजर्वेशन जरूरी है, उसका संरक्षण जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कोरल रीफ का संरक्षण नहीं किया तो वहां पर बहुत सारे जीव जंतु एंड फ्लोरा फौना रहते हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट, सबके सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वेटलैंड क्या है? वेटलैंड के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग में याद रखना है कि वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए जो कन्वेंशन हुआ ईरान के एक शहर रामसर में, उसी लिए उसको बोल दिया गया रामसर कन्वेंशन, क्योंकि जो वेटलैंड होती है उसमें बहुत सारे फ्लोरा फौना रहते हैं। अगर वेटलैंड को कंजर्व नहीं करा, वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो गई, तो बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना खत्म हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों? इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कह रहा हूं। इसलिए सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप खुद भी फील करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, आपको ये महसूस होगा कि हाँ, ये चीज हम मिस कर रहे हैं, क्वेश्चन यहां से बनते हैं और हम इन चीजों को मिस कर रहे हैं। तो अब आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और फिर आप आज क्या कीजिएगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो चीज मैंने पढ़ा दी उसके नोट्स बना लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और अगर आप कुछ क्वेश्चंस, हो सकता है कि मैं भी कुछ चीज यहाँ ऐड ना कर पा रहा हूं, तो अगर आपको लगता है कि ये चीज राहुल सर ने नहीं बताई है, तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, खत्म हुआ काम आपका, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दीजिए। तो रामसर साइट्स के बारे में कुछ बता देता हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रामसर साइट्स आर वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड, एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, ठीक है, रामसर साइट। दूसरा है, देयर आर करंटली ओवर 24 रामसर साइट्स, 2400 रामसर साइट्स हैं। बताइए जरा सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय रामसर साइट्स? रामसर साइट्स आप क्या समझते हैं? आप रामसर साइट से क्या समझते हैं? व्हाट इज रामसर साइट? आप रामसर साइट से क्या समझते हैं?
क्या समझते हैं रामसर साइट से? बिल्कुल वेटलैंड, ठीक है, क्लियर है। रामसर साइट मतलब वो साइट जिस जो रामसर कन्वेंशन के तहत प्रोडक्शन में है, यानी वेटलैंड की बात की जा रही है। तो दुनिया के अंदर लगभग 2400 रामसर साइट्स है, जो इस संसार का, इस वर्ल्ड का लगभग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। याद रखिएगा कि करंटली अगर अभी मैं आज की बात करूं तो लगभग 2400 रामसर साइट्स हैं जिसको कंजर्व किया जा रहा है, यानी कि लगभग 2400 वेटलैंड ऐसी है जिसको कंजर्व किया जा रहा है। और ये जो साइट्स है 2400, ये लगभग लगभग पूरे संसार का 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती है। द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वर्ल्ड फर्स्ट रामसर साइट वॉज आइडेंटिफाई इन 1974 के अंदर पहली रामसर साइट को आइडेंटिफाई किया गया था, फर्स्ट, विच वॉज द कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच वॉज द कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहली रामसर साइट्स डिक्लेयर की गई थी, यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहली वेटलैंड मिली थी जिसको रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट लिस्ट में डाला गया था, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, दैट इज 175। यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके के अंदर 175 रामसर साइट है। कितनी है दोस्तों, कितनी है? 175 रामसर साइट्स हैं कहां पर? यूनाइटेड किंगडम के अंदर। फरवरी 2, जो अभी मैं आपको बता चुका हूं, फरवरी 2 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, एज द रामसर कन्वेंशन वाज साइंड ऑन फेब 2 1971। जैसे मैंने आपको बताया कि 1971 में 2 फरवरी 1971 को इस सम्मेलन में जो भी नियम कायदे कानून बने उस पर साइन कर दिए, किसने? जो वहां पर देश थे। तो इसीलिए क्या बोल दिया गया, इसीलिए 2 फरवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे या इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। द रामसर कन्वेंशन वर्क्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बताया था कि नहीं बताया था? अभी देखिए, ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सिख संधि है, ठीक है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल जो ट्रीटी है, ये कैसे काम करती है? ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कुछ संगठनों के साथ मिलकर काम करती है। वो संगठन कौन कौन से हैं? नंबर 1, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, IUCN। IUCN की रेड लिस्ट के बारे में आपने सुना होगा, IUCN की रेड लिस्ट, ये वर्ड सुना है आपने? IUCN एक रेड लिस्ट जारी करता है, सुना है कि नहीं सुना है? ठीक, तो जो ये रामसर कन्वेंशन इन कुछ संगठनों के साथ काम करता है, जिसमें पहला है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN कहते हैं। सेकंड है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। थर्ड वन, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IWMI इसको शॉर्ट में बोलते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल। फिफ्थ वन इज वाइट फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, एंड द लास्ट वन इज WWF इंटरनेशनल। इनके साथ काम करता है, इन सब के साथ क्या करता है, इन 6 संस्थाओं के साथ ये क्या करता है? काम करता है रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो पहली रामसर साइट्स क्या है, इस स्लाइड से आपको क्या इंपॉर्टेंट मिला? पहली रामसर साइट्स आइडेंटिफाई की गई थी 1974 में, उस साइट्स का क्या नाम है? कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मिली थी, इसका नाम है कोबर्ग पेनिनसुला। पूरी दुनिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं? 2400 रामसर साइट्स हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम में है, 175, ठीक है। 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
ठीक है, क्योंकि उस दिन इस जो जो नियम बने थे रामसर कन्वेंशन के उस पर साइन किए गए थे, और रामसर कन्वेंशन कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उनके सपोर्ट से काम करता है। चलिए अब बात करते हैं थ्री पिलर ऑफ रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के मुख्य तीन पिलर क्या है जिसपे काम करता है? नंबर एक, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। मतलब क्या है इसका भैया? आर्द्र भूमि का आप इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको कोई नहीं रोकेगा आर्द्र भूमि के इस्तेमाल करने से, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल कैसे करना है? बुद्धिमत्ता से करना है। वाइज मतलब दिमागी तौर से इसका इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं कहूं इसके लिए आपको शब्द दे सकते हैं मुझे कि वेटलैंड का किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें? ईरान, ईरान बताया तो था अरुण, अरुण शर्मा ईरान, इसके लिए एक शब्द हो सकता है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसके लिए? शाबाश, सस्टेनेबल, वेरी गुड। क्या? सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स मतलब वेटलैंड्स में का आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि वहां पर जो रिसोर्सेज है वो पूर्ण रूप से खत्म ना हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि वेटलैंड्स के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका आज इस्तेमाल कर ले और आने वाली पीढ़ी जो है उन रिसोर्सेज की कमियों से जूझे, ऐसा नहीं करना है, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए कोरल लीफ है, आप कोरल लीफ है, कोरल लीफ क्या एक वेटलैंड है? वहां पर मान लीजिए कोरल लीफ में क्या है, कुछ कोई भी किसी भी तरह की कोई फ्लोरा मिलती है, कोई फोना मिलती है, ठीक, तो उस फ्लोरा को आप क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से यूज कर रहे हैं, और आपने ऐसा यूज कर लिया कि आने वाली पीढ़ी को वो फ्लोरा नसीब ही नहीं हो रही देखने को। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सस्टेनेबल यूज करना है ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है? क्या करना है? सस्टेनेबल यूज करना है वेटलैंड का। ये वर्ड सस्टेनेबल पहली बार किस रिपोर्ट में आया था? ये शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार कहां पर इसका इस्तेमाल किया गया था? फर्स्ट टाइम ये जो सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार कहां पर इसको, इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया गया था? फर्स्ट टाइम एजेंडा 21 में तो सपोर्ट किया गया था, अवर कॉमन फ्यूचर वेटलैंड रिपोर्ट्स में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग बताया गया था। इतनी जल्दी आप भूल रहे हैं तो इसका मतलब आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली लिख के देता हूं अगले साल फिर पेपर देंगे, नहीं बनाएंगे उस बार भी फिर देंगे, दो तीन बार देंगे और नहीं होगा सिलेक्शन। बनाइए शॉर्ट नोट्स, ठीक है? आपका पूरा प्रीलिम्स के जो नोट्स हैं वो कम से कम 120 या 150 पेज में खत्म हो जाने चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं, और मेंस भी आपके 200-250 पेज में खत्म हो जाना चाहिए, बस इससे ज्यादा नोट्स नहीं बनाने होते हैं। तो पहला यूज, पहला इसका पिलर क्या है रामसर कन्वेंशन का? इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी आर्द्र भूमि है उस आर्द्र भूमि के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करना, यानी सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है? एक तो पहला पिलर तो इसका ही है। तो रामसर कन्वेंशन किस लिए काम करता है कि जो भैया वेटलैंड है, वेटलैंड के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका कि सस्टेनेबल तरीके से यूज कराना है, इसका मुख्य उद्देश्य है पहला। दूसरा है ये एक रामसर लिस्ट बनाता है। क्या बनाता है? रामसर लिस्ट बनाता है। मान लीजिए बहुत सारी वेटलैंड है भारत के अंदर, बहुत सारी आर्द्र भूमि भारत में कमी नहीं है, तो किस आर्द्र भूमि को ये रामसर लिस्ट में डालेगा ये डिसाइड करेगा। तो एक रामसर लिस्ट भी बनाता है। अभी क्या होती है रामसर लिस्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑन शेयर्ड वेटलैंड्स। क्या है? इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑन शेयर्ड वेटलैंड्स। अब जिन रामसर साइट्स को ये किसमें डाल देगा, रामसर लिस्ट में डाल देगा, उसको फिर अंतरराष्ट्रीय क्या मदद दिलाएगा,
इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि इंटरनेशनल सहायता दिलवाएगा। तो ये इसके तीन पिलर हैं किसके दोस्तों, रामसर कन्वेंशन के, रामसर सम्मेलन के। अब थोड़ा सा मैं एक आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बता देता हूँ कि व्हाट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इस पर 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है। सुनिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ए रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर चेंजेस इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड। देखिए क्या किया गया, बहुत सारी वेटलैंड्स हैं भारत में, बहुत सारी वेटलैंड्स हैं, उनमें से देखा कि कौन कौन सी वेटलैंड इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी वेटलैंड इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान के अंदर केलादेव नेशनल पार्क है, केलादेव नेशनल पार्क तो वो एक आर्द्र भूमि है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे साइबेरियन क्रेन, सर्दियों में साइबेरियन क्रेन उड़ के आते हैं वहां पर, वहां रहते हैं 1-2 महीना, तो वो वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो वेटलैंड इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें क्या हो रहा, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इकोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं उसमें। इकोलॉजिकल चेंज मतलब वहां पर पानी दूषित हो रहा है, एयर पॉल्यूटेड हो रही है, लैंड जो सोइल है वो पॉल्यूटेड हो रही है, यानी कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है। दोबारा समझिए, राम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है क्या, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, एक बहुत सारी वेटलैंड है भारत के अंदर, उन वेटलैंड के अंदर कुछ वेटलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने बताया आपको केलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, वो एक वेटलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे साइबेरियन क्रेन सर्दियों में आते हैं अपने निवास के लिए, रहने के लिए, क्योंकि साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है तो वो यहाँ आ जाते हैं, उड़कर आते हैं देखिए, और वो यहाँ रहते हैं 2-3 महीने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया वो एरिया, वो वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर उस वेटलैंड में कुछ इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे वहां की एयर पॉल्यूटेड हो रही है, वहां का पानी पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है, वहां की क्या हो रही है, वहां की लैंड में डिस्टर्बेंस आ रही है, वहां के पेड़ कट किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो यानी कि वहां पे दिक्कत हो रही है, वहां पे दिक्कत हो रही है, तो क्या किया जाता है, तो क्या किया जाएगा दोस्तों, उन सब को क्या करेंगे, मेंटेन एज ए पार्ट ऑफ लिस्ट। अब जब मैं एक बार पढ़ देता हूं इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए, ए रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइंड ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। तो क्या करेंगे, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है वेटलैंड्स, उनको उनकी एक लिस्ट बना दी जाएगी, उनकी एक लिस्ट बना दी जाएगी, ठीक है, जहां पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, मेंटेन एज ए पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। इंडियन वेटलैंड इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड केलादेव नेशनल पार्क राजस्थान एंड लोकटक लेक। दोबारा सुनिए, रामसर कन्वेंशन क्या करता है, रामसर लिस्ट बनाता है। भारत में कहा 47 जो है रामसर साइट्स हैं। अच्छा, अब इन 47 रामसर साइट्स में से कुछ रामसर साइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन रामसर साइट्स की इकोलॉजिकल कंडीशंस को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो उन रामसर साइट्स को क्या किया, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उठा के लिया है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। मान लीजिए जैसे पूरी क्लास है, एक पूरी क्लास है, पूरी क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो 100 बच्चों के अटेंडेंस रजिस्टर होगा कि नहीं होगा, होगा, लेकिन उनमें बदमाश जो बच्चे हैं उनके नाम मास्टर जी ने अलग से लिख रखे हैं, वही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। यानी कि भारत के अंदर 47 रामसर साइट्स हैं, यानी 47 वेटलैंड्स हैं, उन 47 में जो इंटरनेशनली एक इंपोर्टेंस रखती हैं 47 रामसर साइट, उसमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि उसमें इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी कि वहां की एयर पॉल्यूटेड हो रही है, वहां की आपका पानी पॉल्यूटेड हो रहा है, वहां की सोइल पॉल्यूटेड हो रही है, वहां के पेड़ कट किए जा रहे हैं, तो उसको कंजर्व करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया केलादेव नेशनल पार्क, वो एक वेटलैंड है, वहां पे साइबेरियन क्रेन उड़ के आते हैं, अगर वहां का आपका पानी दूषित कर दिया जाए, वहां की हवा दूषित कर दी जाए, वहां की लैंड को दूषित कर दी जाए, उनको पेड़ कट दी जाए, तो साइबेरियन क्रेन आएंगे नहीं, उनका निवास खत्म हो जाएगा, तो उसको कंजर्व करना जरूरी है कि नहीं करा,
जरूरी है। तो कहा भाई रामसर साइट्स में से भी कुछ साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको उठाओ और इसका एक अलग से रिकॉर्ड बनाओ, दैट इज कॉल्ड द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इसको कहते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। याद रखिए भारत की दो वेटलैंड अभी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है, कौन कौन सी? नंबर एक केलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, एंड सेकेंड वन इज द लोकटक लेक जो कहां पर है? मणिपुर में। फटाफट बताइए लोकटक लेक पर कौन सा नेशनल पार्क है? सब लोग बताइए लोकटक लेक पर कौन सा? बिल्कुल भरतपुर, बिल्कुल सही बात है, भरतपुर में ये लोकटक लेक पर। वेरी गुड, केबल लामछू नेशनल पार्क, यहां पे डांसिंग डियर मिलती है, डांसिंग डियर नाचने वाली हिरन, ठीक है, डांसिंग डियर। तो लोकटक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क ये वेटलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर इकोलॉजिकल इनके इस इन दोनों के दोनों वेटलैंड्स की जो इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो रही है, मतलब वहां पे पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू मैन, इंसानों के द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, तो उसकी वजह से पेड़ पौधे कट किए जा रहे हैं। तो भैया ये बहुत मुश्किल वाली बात होगी, तो उसको कंजर्व करने के लिए, उस वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए उसका नाम उठाकर एक नए रिकॉर्ड में रख दिया, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। कहा भाई ये हाई रिस्क की जोन में है, इसको हमें कंजर्व करना, संरक्षण पहुंचाना है। भारत में पहले तीन हुआ करती थी, अब दो रह गई, ये तीसरी थी पहले चिल्का लेक जो उड़ीसा में है, ये चिल्का लेक जो है ये भी एक वेटलैंड थी, तो ये भी क्या थी, इसमें की भी इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज हो रहा था, ये भी इकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रही थी ये लेक भी। तो इसको रामसर ने क्या करा, अपनी लिस्ट से उठाया और एक नए रिकॉर्ड में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आने का मतलब है कि अब इसको वेल ट्रीट किया जाएगा। मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में जो है, ठीक है, 100 में 98 बहुत अच्छे हैं, 2 बदमाशी करते हैं, तो मास्टर जी उनको अलग से क्या करेंगे, अलग से उन पर ध्यान रखेंगे और उन पर फोकस करेंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे तो बजाएंगे, तभी इसे धोएंगे। तो बस वही काम हो रहा है। मॉन्ट्रिक्स में क्या किया जाता है, अगर कोई रामसर साइट्स या वेटलैंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आती है तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। फाइनली इस पर ध्यान दिया गया चिल्का लेक पर और चिल्का लेक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से निकल गई, ठीक है। जैसे नशा मुक्ति केंद्र होता है, मैं आपको और अच्छे से समझाऊं, नशा मुक्ति केंद्र में क्या होता है, जो शराबी नशेड़ी होते हैं उनको उठाया और उसमें बंद कर दिया, जब वो ठीक हो जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। तो बस यही है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, यानी कि कोई भी जो आपकी वेटलैंड है जो डिस्टर्ब हो गई है, किसकी वजह से, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसकी इकोलॉजिकल कैरेक्टर से चेंज हो रही है, उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं, बाद में उसको प्रोटेक्शन देते हैं, अगर वो ठीक हो जाती है, मतलब उसमें इकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्टर्ब होती है वो ठीक हो जाती है, तो उसको वापस उस रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज क्लियर और नॉट, आपको क्लियर है कि नहीं है? ठीक, आगे बात करते हैं। इंडिया के अंदर अगर मैं रामसर साइट्स की बात करूं, इंडियन साइट्स इन द रामसर लिस्ट कौन सी है तो मैं बताता हूं। देखिए 42 इंडियन साइट्स हैं, पहले टोटल 42 थी, ठीक है, 42 थी, फिर उसके बाद मतलब टोटल 42 है, देखिए पहले 32 थी, टोटल पहले 32 थी, फिर इसमें 10 ऐड करी गई तो कितनी हो गई, 42, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 5 और ऐड कर दी गई तो टोटल कितनी हो गई, 47 रामसर साइट्स है भारत के अंदर। यानी भारत के अंदर 47 ऐसी वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमि है, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखती है, यानी इंटरनेशनल इंपोर्टेंस रखती है, ठीक है। तो टोटल 42 की जगह आप कर सकते हैं आप 47 साइट्स। अब देखिए ये मैंने क्यों किया ऐसे, मैं आप इसको यहां भी चेंज कर सकते हैं स्लाइड में, मैंने इसलिए किया कि आप अब जब अपने नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में आपने 47 लिख दिया, लेकिन अब आपको क्या करना है, एनवायरमेंट इन इकोलॉजी के लिए किसी बुक से मत पढ़िएगा, कोई बुक का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये मेरी क्लास देखिए और कोई भी एक मैगजीन ले लीजिएगा जिसको आप मंथली मैगजीन बोलते हैं, उस मंथली मैगजीन को पढ़िए। अब उस मंथली मैगजीन में आ गया कि अभी हाल फिलहाल में रामसर साइट्स में एक साइट्स और बढ़ी, तो बस प्लस 47 की जगह एक और कर देना और उसका नाम लिख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे करना है आपको। तो अभी कितनी रामसर साइट्स हैं, अभी रामसर साइट्स हैं भारत के अंदर, रामसर लिस्ट के अंदर जो रामसर साइट्स हैं वो कितनी है, 47।
2020 के अंदर 10 और जोड़ी गई थी, यानी पहले 32 थी, फिर 10 जोड़ दी गई, 42 हो गई। ठीक है, फर्स्ट रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, केवलादेव नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहली रामसर साइट है जो भारत की, दैट इज केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में एंड चिल्का लेक उड़ीसा, ये दोनों की दोनों, ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या थी दोस्तों, फर्स्ट रामसर साइट्स में आई थी, यानी फर्स्ट वेटलैंड थी जिनको कंजर्व करने की बात की गई थी रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चिल्का लेक और आपका केवलादेव नेशनल पार्क और एक और आप नाम बताएंगे उसका क्या नाम है, ये तीनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हो गए थे, यानी इन पे खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा था, बाद में चिल्का लेक तो इससे निकल गई, अभी केवलादेव नेशनल पार्क और एक और नाम बताइए आप, कौन सा दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है जिसको जबरदस्त तरीके से कंजर्व किया जा रहा है। अच्छा मनमोहन सिंह, शाबाश, वेरी गुड, यूपी में 9 वेटलैंड हो गए हैं सर जी, बिल्कुल वेरी गुड, ये भी बढ़ाएंगे, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको 9 के 9 याद होने चाहिए यूपी के, बिल्कुल लोकटक लेक, ठीक है, लोकटक लेक लार्जेस्ट रामसर साइट, जो सबसे बड़ा जो रामसर साइट से सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है जिसको कंजर्व किया जा रहा है रामसर कन्वेंशन के तहत, वह है सुंदरबन वेटलैंड्स। क्या है दोस्तों, सुंदरबन वेटलैंड सबसे बड़ी रामसर साइट है भारत की और सबसे छोटी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया था यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी, एमपी पीसीएस में भी, स्मॉलेस्ट रामसर साइट्स है वो है रेणुका वेटलैंड्स। कौन सी है दोस्तों, रेणुका वेटलैंड, और ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इट इज इन द हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड्स ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स है वो 7 से बढ़कर कितनी हो गई है, अब 9 हो गई है, और वो कहां पर है, वो है हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर, कहां पर है, यूपी के अंदर है, हाईएस्ट रामसर साइट्स कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो टोटल कितनी है, 9 है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, अब आप ये नोट्स बनाएंगे, हो सकता है जब आप एग्जाम देने जाएं तो 47 की जगह 48 हो जाए, 9 की जगह 10 हो जाए, 10वें नंबर की कौन सी आएगी वो इंपॉर्टेंट है, 48वें नंबर की कौन आएगी वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस क्या करना है, इन नोट्स को बनाना है ऐसी शॉर्ट में, और उसको करंट से मिलाप करते रहना है हमेशा, हर एक महीने में। देखिए मंथली मैगजीन लगाइए, कोई भी किसी भी पब्लिकेशंस की लगा लीजिए जिसको आपको पसंद हो, और खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, और उन मैगजीन में क्या अपडेशन हो रहा है उस अपडेशन के अकॉर्डिंग अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए, बस ये काम करना होता है थोड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ जो रामसर साइट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ स्टेट वाइज। ठीक है, स्टेट वाइज बता देता हूँ, पहले देखिए ये, अब थोड़ा मैप ये सही कर देता हूँ, ठीक है, ये मैप हो गया, अभी दिख रहा है सही, चलिए तो इस मैप के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी, अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो वो क्या देगा आपको, इनका नाम देगा, ये कहां पर है, मतलब वेटलैंड्स के नाम देगा और पूछेगा कि किस स्टेट में है, या मैच करने को देगा कि मैच कीजिए इसमें से कौन सा करेक्ट रोंग है। ठीक है, ठीक है, ये मैच करने को देगा। अब जरा बात कर लेते हैं सबसे पहले, अच्छा आपने भेड़ देखी, भेड़ देखिए, भेड़ कितने लोगों ने भेड़ देखी है, कितने लोगों ने, भेड़ देखी है कि नहीं देखी है, अच्छा भेड़ ऊन देती है ना, ऊन ऊन देती है कि नहीं देती, वूल देती है कि नहीं देती है, एक भेड़ है ये देखो, इसके लंबी से पूंछ है, ये इसके ऊन लग रही है, ठीक है, देखिए कि नहीं देखिए आपने, भेड़ देखिए, हाँ देखिए, वो ऊन होती है उससे, ठीक है। अब
एक भेड़ जो थी वो कश्मीर में थी, कहां पर, जम्मू कश्मीर में, उसके बहुत सारी ऊन थी। तो क्या हुआ, उसकी ऊन को क्या काट लिया, एक व्यापारी ने कट कर लिया और उसकी ऊन बना दी। दोबारा सुनिए, श्रीनगर के अंदर आपको पहचानना है, बस ये आएगा कि ये जो आपकी क्या नाम वेटलैंड्स का नाम देगा कि ये रामसर साइट किस स्टेट में है, ऐसे आएगा। तो इसके लिए कुछ आपको निमोनिक्स बता रहा हूं मैं। एक भेड़ थी, श्रीनगर में रहती थी, सुर लगाया करती थी, गाना बहुत गाया करती थी, उसे खूब सारी वुल थी, यानी ऊन थी उसके शरीर पर। व्यापारी ने आया, उसकी ऊन काट ली, ठीक है। तो देखिए, भेड़, तो भेड़ से याद आएगा वुल, वुल्लर लेक, नंबर एक वुल्लर लेक। तो वुल, भेड़ क्या देती है, वुल देती है ना, वुल, ऊन देती है कि नहीं देती है, तो याद रखिए वुल्लर लेक आपके दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, सर ने बताया था भेड़ जम्मू कश्मीर, तो वुल, वुल से वुल्लर लेक, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, लद्दाख से अलग हो गया, पहले तो एक ही था। तो भैया कुछ भेड़ आपकी जम्मू कश्मीर में मिलेंगी और कुछ कहां पर मिलेंगी, आपकी लद्दाख में मिलेंगी, ठंडा जगह है तो ठंडी जगह में भेड़ खूब मिलती है और उन पर खूब ऊन होती है, खूब सारी ऊन होती है उस पर, ठीक है। तो एक भेड़ थी जिसपे खूब सारी वुल थी, तो वुल्लर लेक याद हो गया। अब क्या हुआ, वो सुर लगाया करती थी, वो कभी जम्मू कश्मीर में, कभी लद्दाख में, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी लद्दाख में घूमती रहती थी। ये बॉर्डर हमने तो बनाया इंसान ने कि ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, जानवरों के लिए क्या बॉर्डर, तो कभी जम्मू कश्मीर में, कभी लद्दाख में, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी लद्दाख में घूमती थी और घूम घूम के गाना गाया करती, सुर लगाया करती थी, सुर लगाया करती। तो इससे याद रखना, सुरिनसर, सुरिनसर मनसर, क्या नाम है, सुरिनसर मनसर। तो नंबर एक वुल्लर लेक कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, सुरिनसर लद्दाख में, ठीक है। अब एक दिन एक व्यापारी आया, उसने उसकी सारी वुल काट ली, सारी वुल काट ली। तो भेड़ कहने लगी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो होकेरा, क्या होकेरा है, तो होकेरा वेटलैंड्स कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। तो पहला क्या है, नंबर एक वुल्लर लेक जम्मू कश्मीर में, दूसरा उनने सुर लगाया, सुरिनसर, सुरिनसर मनसर। फिर दोबारा जम्मू कश्मीर में आ जाओ, उसकी क्या काट ली, ऊन काट ली। तो वो भेड़ कह रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि भेड़ को अपनी ऊन प्यारी है, एक व्यापारी ने उसकी ऊन काट ली। तो वो कह रहा है, हो क्या रहा है, तो हो केरा वेटलैंड। अब उसकी ऊन काट ली तो वो कहती, मोरी मैया, मोरी मैया समझते ना, मैं तो मर गई मैया। वो उसको गुस्सा आता क्योंकि वो एकदम गंजी हो गई, भेड़ क्या हो गई, गंजी हो गई। तो कहता, अपने को फोटो में देखती है वो तो मोरी मैया, क्या है, मोरी मैया, तो याद रखना सुमेरी मैया, TSOMORIRI, ठीक है, सुमेरी, याद रहेगा। थोड़ा बड़ा करूं क्या इसको, दिख रहा है आपको, ये बड़ा करूं, अभी दिख रहा है, ठीक। तो क्या याद रखना है, नंबर एक, नंबर एक वुल्लर लेक कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, वुल ऊन दी, याद आ जाएगा, भीड़ कहां रहती है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद लद्दाख में जाती है गाना गाती हुई, तो क्या लगाती है, सुर लगाती है, तो सुरिनसर, बस इतने में आपको याद हो जाएगा। फिर दोबारा जम्मू कश्मीर में आ जाओ, जम्मू कश्मीर जब उसके बाल काटे जा रहे थे, तो वो व्यापारी से कह रही है, हो क्या रहा है, क्या हो के रहा है, मेरे बाल क्यों काट रहे हो, तो होकेरा, होकेरा वेटलैंड्स, ठीक है। और जब वो उसके बाल काट दिए जाते हैं, तो गंजी हो जाती है, भेड़ गंजी हो गई, भेड़ गंजी हो गई, तो वो शीशे में देखते हैं, ओरे मोरी मैया, ठीक है। तो मोरी, MORIRI, तो सुमेरी, बस याद रखना सुमेरी, आप पहचान जाओगे, इतने पकड़ लोगे, इतने में आप पकड़ लोगे, ठीक है, इतने में आप क्या कर लोगे, पकड़ जाओगे। अच्छा, अब भैया भेड़ गंजी हो गई, भेड़ गंजी हो गई, भेड़ बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, शीशे में देख रही थी अपने आप को और जोर जोर से रो रही थी, कह रही मैं तो जान दे दूंगी, पहाड़ पे से कूद जाऊंगी, ठीक है, पहाड़ पे से मैं कूद जाऊंगी। तो एक दूसरी भेड़ उससे कहती है, तू पहाड़ पे ना से ना कूद है, इसका इलाज करवा, इसका इलाज कोई ज्योतिष, कोई ब्राह्मण कर देगा। भेड़, अब भेड़ को थोड़ी पता कि तेरे बाल आ जाएंगे कुछ दिन बाद, लेकिन भेड़ रो रही थी बहुत जोर जोर से कि अब मेरा क्या होगा, मेरे, मैं तो गंजी लग रही हूं। तो एक दूसरी भेड़ कहती है, तू टेंशन ना ले, परेशान ना हो, तो किसी पंडित को दिखा, इसका क्या सोल्यूशन है। तो कहती, पंडित कहां रहता है, नुका एक पोगा पंडित रहता है, कहां पे, हिमाचल प्रदेश में, पोगा पंडित, तो याद रखना पोंग डैम लेक, पोंग डैम लेक कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है दोस्तों,
हिमाचल प्रदेश में है, पोंग डैम लेक। पोंग डैम लेक कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और वहां पर एक पोगा पंडित रहते हैं, उस पोगा पंडित का नाम है चंद्रताल। क्या नाम है? चंद्रताल। और उसकी वाइफ का नाम है रेणुका। पोगा पंडित रहते हैं, उसका नाम है चंद्रताल, अपनी घरवाली के साथ रेणुका। यहां तक अभी तक कोई आपको दिक्कत है? मैंने आपको तीन, दो यूनियन टेरिटरी बता दी है, एक स्टेट बता दिया है, जम्मू कश्मीर बता दिया है, लद्दाख बता दिया है, और आपको हिमाचल। हिमाचल में बताइए पोंगा पंडित कहां मिलेगा? फटाफट बताइए पोगा पंडित कहां पर मिलेगा? पोगा पंडित कहां मिलेगा? पोगा पंडित कहां पर मिलेगा? पोगा पंडित हिमाचल प्रदेश में। वेरी गुड। अच्छा, जो भेड़ जो सुर लगाती है, जो गाना गाती है, वो कौन से स्टेट में लगाती है? किसी यूनियन टेरिटरी में लगाती है, उसका नाम बताओ। नाम बताओ उसका। लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर देखो, सुरिन सर, सुर लगा दिया, बस इतने बच्चों, इतना ही आएगा। ये देखो यूपीएससी वाला मैच करने को देगा, एक साइड वेटलैंड्स के नाम लिख देगा, एक साइड स्टेट लिख देगा, बस पहचान लोगे आप इतने में, इतने में काम हो जाएगा आपका। नहीं करनी भाई लेबर वाली मेहनत, नहीं करनी लेबर वाली मेहनत से काम नहीं चल रहा है अब तो। क्या करा? ठीक, वुल्लर लेक कहां पर है? वुल काट ली। अच्छा, जब उसके बाल काटे जा रहे थे तो वो ये कह रही थी, ये हो क्या रहा है? क्या बोल रही थी भेड़? ये हो क्या रहा है? तो होकेरा लेक कहां पर है? वेर इज होकेरा लेक? ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है कि हो क्या रहा है? वेरी गुड, जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, पोंग डैम कहां पर है? वेर इज पोंग डैम वेटलैंड? पोंग डैम वेटलैंड्स। ऐसे याद रखिएगा, पोगा पंडित जब वो गंजी हो गई, गंजी, उन्होंने कहा मोरी मैया, सुमेरी, सुमेरी कहां पर? लद्दाख में। वो गंजी हो गई तो उसकी दूसरी भेड़ ने कहा तू चली जा पोगा पंडित से मिलने। यानी पोंग डैम कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, जो पोगा पंडित है वो अपनी वाइफ के साथ रहता है हिमाचल प्रदेश में, उसकी वाइफ का नाम बताओ। उसकी वाइफ का नाम बताओ। उसकी वाइफ का नाम क्या है? वो जो पोगा पंडित रह रहा है, उसकी वाइफ का नाम रेणुका। रेणुका क्या नाम है? रेणुका वेटलैंड। भारत की का सबसे छोटी वेटलैंड का नाम बताइए जो रामसर साइट्स में शामिल है। भारत की सबसे छोटी वेटलैंड्स का नाम बताइए जो रामसर साइट्स में शामिल है। रेणुका वेटलैंड्स, ये लिखा है ना, स्मॉलेस्ट रामसर साइट्स, रेणुका वेटलैंड्स। कोई दिक्कत है आपको? आपको कोई भी दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है? अच्छा अच्छा जी, अब ये बताइए, मान लीजिए भेड़ गंजी हो गई, भेड़ जब गंजी हो गई, अब भेड़ के पहले ऊन थी, भेड़ के ऊपर ऊन थी, तो भेड़ को डायरेक्ट सूरज की रोशनी लगती नहीं थी। अब भेड़ गंजी हो गई तो भेड़ को डायरेक्ट सूरज की रोशनी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी? हाँ लगेगी। तो उसे कान गर्म हो जाएंगे ना, कान पे भी ऊन होती है, वूल होती है भेड़ की, तो कान पे भी क्या नाम धूप नहीं लग रही थी, अब डायरेक्ट कान पे भी धूप लग रही है तो कान जल जाते हैं उसके। तो कंजी, कंजी याद रखो कहां पर है? ये कौन सा स्टेट है बताइए? पंजाब। पंजाब में कंजली, कान जल गए। पंजाब में कान जल गए, ठीक है, पंजाब में उसके कान जल गए। चलिए देखिए, पोगा पंडित से मिली, पोगा पंडित का नाम था चंद्रताल, उसकी घरवाली थी रेणुका।
उसने बताया रो रो के, मैं क्या करूं, मेरे तो बाल चले गए, अब क्या होगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, समझ गए कि बाल तो दोबारा आ जाएंगे। उसने कहा आप चिंता ना करो, आप मेरे पास 1100 रुपये रखो, अभी मैं एक मंत्र फूंकता हूं और आपको एक दो जगह जाना पड़ेगा, ठीक है, हरि का नाम लेना पड़ेगा, आपके बाल आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कह रहे कहाँ जाना है, कह रहे तुमको पंजाब के रोपड़ में जाना है। उस भेड़ से कहता है कि तुमको पंजाब के रोपड़ में जाना है, वहां पे हरि का नाम लेना है। भेड़ से पोगा पंडित ने कहा, ए भेड़, तुमको क्या करना है, पंजाब के रोपड़ में जाना है, वहां पे हरि का नाम लेना है। उसने कहा ठीक है, भेड़ चली गई। लेकिन भेड़ जैसी गई, अब भेड़ रहती थी जम्मू कश्मीर में, वो ठंड थी, यहाँ पे पंजाब में तो गर्मी रहती है, तो गर्मी की वजह से उसके कान जल गए, यानी कंजली। तो पंजाब में कौन कौन सा है, रोपड़, हरिके और कंजली, याद रहेगा, रोपड़, हरिके और कंजली, कान जल गए, फूक गए, हरिके और रोपड़। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत, ठीक, चलिए जरा एक बार बताओ, फटाफट बताओ, होकारे, होकेरा, होकेरा वेटलैंड कहां पर है, वेर इज होकेरा वेटलैंड, वेर इज अ होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड, जम्मू कश्मीर में, कंजली, कंजली वेटलैंड्स। सर वो भेड़ तो जम्मू कश्मीर में ठंड में रहती थी, पंजाब में आ गई गर्मी हो गई, तो कान जल गए उसके, कंजली, क्योंकि उसके बाल नहीं थे, गंजी थी वो, गंजी। पंजाब में, शाबाश, पंजाब याद हो गया, अच्छा रोपड़, रोपड़ कहां पर है, रोपड़, रोपड़ भी पंजाब में है, तो ये आपको याद हो गया। अच्छा एक बात बताओ भाई, जम्मू कश्मीर से वो लद्दाख घूमती थी पहले, गाना गाती थी, अब जब उसके बाल काट लिए, व्यापारी ने बाल काट लिए उसकी, भेड़ मतलब उसकी वुल काट ली, उसकी ऊन काट ली, तो वो बिचारी क्या हुई, पहले जम्मू से बिचारी कहाँ आई, हिमाचल में आई, पोगा पंडित के कहने पर हिमाचल से वो बिचारी पंजाब में गई कि वहाँ हरि का नाम लेना है, रोपड़ गई, वहाँ पे हरि का नाम लेना है, उसे कान जल गए, उसको इतने दूर घूमते घूमते भूख लगेगी नहीं लगेगी, हाँ कि ना बताओ, भूख लगेगी नहीं लगेगी, उसको भूख लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना, उसको भूख लगी, तो उसने कहा घास फूस तो बहुत बार खा लिए, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज सांबर खाएंगे, क्या करेंगे, सांबर खाएंगे। तो देखो भैया, यहां से पंजाब से वो आ गई राजस्थान, और राजस्थान में उसने सांबर खाया, कहां पर बैठ के, एक नेशनल पार्क में, पार्क में बैठ के, कौन सा, मतलब सांभर के साथ केला भी खाया, सांभर खाया, सांभर थोड़ा नमकीन लगा, फिर उसके बाद केला खाया, केला देव नेशनल पार्क, ठीक है, क्या खाया, सांभर के साथ सांभर खाया, सांभर खाया, इडली सांभर खाया, इडली सांभर डोसा खाया, और उसके बाद उसका मुंह जला तो केला खा लिया, ठीक। तो भेड़ को सांभर भी खा लिया, सांभर डोसा भी खा लिया, और भेड़ ने केला भी खा लिया, क्लियर है कि नहीं है, राम राम जी, राम राम, जोधपुर वाले भैया राम राम, ठीक है। तो सांभर भी खा लिया और क्या कर लिया, आपका केला भी खा लिया, कोई दिक्कत है कि नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अच्छा खाना खाने के बाद प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी, हाँ कि नहीं, खाना खाने के बाद प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी, खाना खाने के बाद प्यास लगती है कि नहीं लगती है, खाना खाने के बाद प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी, हाँ लगेगी, बिल्कुल प्यास लगेगी। तो पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, पानी कहां से मिलता है, नल से, राजस्थान के बराबर में आ जाओ, कहां, गुजरात में, या नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, याद है आपको, जब बर्ड सेंचुरी पढ़ाया तब भी बताया था नल सरोवर, तो नल से पानी पिएगी वो। तो देखो जम्मू कश्मीर,
लद्दाख, आपका हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और नल सरोवर, यानी कि कहाँ पर आ गए हम, गुजरात में आ गए। फटाफट बताओ, अभी पूछ लेता हूँ, सांबर लेक किस राज्य में है, रामसर साइट्स बतानी है आपको, ये कहाँ कहाँ पर है, किस स्टेट में है रामसर साइट्स, सांबर लेक, फटाफट बताइए सांबर लेक किस कहाँ पर है, वेर इज सांबर लेक, वेर इज सांबर लेक, राजस्थान में, वेरी गुड, कहां पर है, वेल डन, राजस्थान के अंदर, ठीक है। अच्छा दूसरा ये बताइए, ये हरिके जो रामसर साइट से, ये कहां पर है, हरिके रामसर साइट्स कहां पर है, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, रोपड़ भी पंजाब में। एक कंजली है, कंजली कहां पर है, कंजली कहां पर है, वेर इज कंजली, कंजली कहां पर है, कंजली भी पंजाब में है। रेणुका कहां पर है, रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, वेर इज रेणुका वेटलैंड, वेर इज रेणुका, रेणुका वेटलैंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश में, वेरी गुड, ठीक है, रेणुका आपने बता दी हिमाचल प्रदेश में। अच्छा नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो एक वेटलैंड है, ये कहां पर है, नल सरोवर, नल सरोवर वेटलैंड, गुजरात में है, वेरी गुड। अच्छा केला देव, जो भेड़ केला खाने कहां गई थी, सर वो केला देव नेशनल पार्क में गई थी, वेर इज केला देव नेशनल पार्क, राजस्थान में है, वेरी गुड। अच्छा केला देव नेशनल पार्क जो ये रामसर साइट्स में आती है ये वेटलैंड्स, ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है कि नहीं है, क्या ये प्रेजेंटली मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है कि नहीं है, क्या ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है कि नहीं है, अच्छा ये क्यों शामिल है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, अगर कोई रामसर साइट यानी कि एक वेटलैंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इट मीनिंग, इसका मतलब क्या है भाई, क्यों शामिल की गई है ये, इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस है, वाह शाबाश, वहां का इकोसिस्टम पर ज्यादा प्रॉब्लम होना लगा है, वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना, ये चीज समझ में आ गई ना। चलिए बाकी फिर कल नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, क्योंकि मैडम की क्लास है अभी, ठीक है, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि आपको एक बार आप देख लीजिए, खैर मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, ये फिर नई रामसर साइट्स हैं और उसमें यूपी बहुत फेमस है, आप देख लीजिए इनको एक बार, और आफ्टर दैट ये पांच जो एडिशनल जो पांच ऐड की गई हैं इनको, ये तो आपको एटलीस्ट हर हालत में दिमाग में याद रखनी है, हर हालत में, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़े रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।